चलिए आप लोग भी लिखिए, चलिए आप लोग भी लिखिए। सबसे पहले लिखिए, बोले बाबू एकदम ध्यान से बात को समझना है, तरीके से लिखना है, ठीक ना। सबसे पहले लिखिए, लिखिए टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी हम लोग कहते हैं परखनली बच्चा, टेस्ट ट्यूब बेबी। ये कैसे होते हैं, आ किस रूप में होते हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, ठीक ना। ध्यान से बात को समझिएगा। अब देखो क्या लिखा है बाबू ने, परखनली बच्चा, यानी क्या इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब बेबी। ये कैसे होते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक ना। अच्छा, किराए के माता का नाम सुनी है, किराए की माँ, किराए के घर सुने होंगे, लेकिन किराए की माँ सुनी है, वो भी बात इसी में होगा। कैसे होंगे देख ना, हमने बाबू उस क्लास में आपको बताया था ना, याद आ रहा है, ठीक ना। देखिए यहां बताया था ना, क्या है उभरी है, क्या है रे बाबू उभरी, और इधर भी क्या है उभरी, यानी महिला में कितने जोड़े अंडाशय पाए जाएंगे, एक जोड़ा, कितने एक जोड़ा, यानी कि दोनों साइड में, एक तरफ उभरी और इधर भी। तब ध्यान से हमने बोला था ना कि इधर इधर बाबू अंडाणु के क्या हो रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं, इधर अंडाणु के क्या हो रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं, ठीक ना। इधर से बाबू सबसे पहले इसके अंदर क्या गई, शुक्राणु गई। बात को सुनिए, रिपीट मत कीजिए आप लोग, खाली बात को सुनिए, ठीक ना। इसके पास पहुंच गई, किसके पास, एक महिला प्रजनन अंगों में जहां से शिराव होते हैं। हम उस दिन बताए थे ना कि कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे और कुछ ऊपर जाएंगे, ठीक ना। अब शुक्राणु का जीवन काल कितने, शुक्राणु का जीवन काल कितने, मतलब हमने बताया कितना, 20 मिनट, कितने 20 मिनट। अब जो इधर गए, इधर तो अंडाणु बनी रहे ने, वो टूट गए, नुकसान हो गया। मान ले बाबू रे, देख ये एक एक महीना में बनते हैं, अगर ये फरवरी में बनेगा तो ये बाबू जनवरी में बनेगा, और मान ली ये जनवरी में बनाती फरवरी में बनेगा, ये फरवरी में बनाती कहाँ बनेगा, मार्च में, ये मार्च की बाद ही बनेगा। एक साथ दोनों कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, अलग अलग डायरेक्शन बनेंगे। मान लेना जनवरी के महीना में बाबू रे शुक्राणु जाके किससे मिल गया, अंडाणु से। शुक्राणु किससे मिल गया बाबू, अंडाणु से। यह प्रक्रिया हमारी कहां पर हुई, यह प्रक्रिया फिलोपन नलिकाओं में, बताए थे ना ये कहां हुई, यानी ये होती है बाबू किसकी, निषेचन की। निषेचन की प्रक्रिया कहां होगी, फिलोपियन नलिकाएं में। उस दिन बताए थे ना निषेचन की प्रक्रिया कहां होगी, फिलोपियन नलिकाओं में होगी। यहां से गया इधर जाकर, एक अंडाणु किसको पा लिया, शुक्राणु को पा लिया। जैसे इसने बाबू शुक्राणु को पा लिया, एक स्थान पर इंजेक्ट हो गए दोनों, तो जानते दोनों कहां आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। इसी को बोलते बाबू हम लोग का गर्भाशय, क्या बोलते बाबू गर्भाशय। गंगा देहात में कहती है बचदानी, क्या कहती है बचदानी, बचदानी में गड़बड़ हो गई, बचदानी से इधर प्रॉब्लम होने लगा, या इस डायरेक्शन से इंजुट होने लगा, या यह बात समझते हैं। देखिए ये बना बचदानी, ठीक ना, छोड़ दो सर, ये बना बचदानी बना, ठीक ना। अब बात को ध्यान सुनिए, अब यहाँ पर बच्चे का क्या होगा, निर्माण होगा। अब यहाँ पर बच्चा रहने लगा, ठीक ना, बच्चे रहने लगे, तो पहला कंडीशन यहाँ पर बच्चों का भाव होती है एक अलग तरीके से, ठीक ना। अब बात को देखिए, अब देखना बाबू, एक शुक्राणु जाकर किससे मिला, अंडाणु से, ठीक ना। एक शुक्राणु जाकर मिला अंडाणु से, देखा हम इधर बताए ना चित्र को, आप इधर ध्यान से देख,
देख जुड़वा बच्चा का कहानी होते कैसे है। अकर शुक्राणु बाबू एक स्थान से निकलकर दो चले गए, यही देखना है। शुक्राणु एक स्थान से निकलकर दो चले गए और जाके मेरे बाबू एक अंडाणु में मिल गए। शुक्राणु कई गो गया? दो गो। अमीला किससे? एक अंडाणु से। यहां पर बाबू कैसा जन्म लेगा? जोड़वा बच्चा होगा। लेकिन बाबू रे चेहरा भिन्न भिन्न होगा। चेहरा क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। चेहरा एक जैसा नहीं होगा। बच्चा है क्या? जोड़वा। लेकिन चेहरा कैसा होगा? भिन्न भिन्न, अलग अलग। लेकिन जब मेरे बाबू शुक्राणु एक हो और दो अंडाणु इस पर आ गया, मान ले महिला ने कितने अंडाणु दे दिया? दो को। अब पुरुष ने कितने शुक्राणु दिया? एक हो, ठीक ना। तो उस स्थिति में भी बाबू कैसा बच्चा जन्म होगा? जुड़वा ही जन्म होगा, जुड़वा ही होगा। लेकिन यहां पर चेहरा एक जैसा होगा, यहां पर चेहरा कैसा होगा? एक जैसा होगा। यही देख हम बताने वाले थे। देखता है ना कोनो कोनो जुड़वा लेकर के चेहरा कैसा होता है? एक जैसा लगता है। फिल्म में देखा था, वो हाथ उठी लेवा तो वो हाथ उठावा था, वो घुलटल तो वो घुलटल, ये भी होता है। लेकिन कब? जब महिला दो अंडाणु देगी तब। लेकिन पुरुष दो गो शुक्राणु एक अंडाणु देगा, चेहरा कैसा होगा? भिन्न भिन्न होगा। देख असन के जुड़वा बच्चा का जन्म होता है, ठीक ना। अब देख यहां से आगे हम लोग